एवरीवन और जस्ट अभी कुछ देर पहले ही देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर आया है और देखने के बाद मुझे कैसा लगा, क्या इस ट्रेलर पर हमको दिखाया गया है और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप एक्साइटेड हो जाएंगे इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि ये मूवी आने वाली है जल्द इसी महीने सितंबर में। एंड इसमें और क्या चीज़ें होने वाली है, क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिनेमैटिक, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ट्रेलर देखकर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये तटीय भूमि पर आधारित एक एक्शन मूवी है। इसमें देवरा नाम का एक बहादुर इंसान अपने लोगों की रक्षा के लिए पानी पर उतरता है, यानी कि सी वर्ल्ड पर उतरता है, समुद्री दुनिया पर उतरता है एंड अपनी इस लेगेसी, अपनी इस विरासत को अपनी बेटी वरदा को सौंप देता है, जो कि एक सामान्य लड़का है, जो कि एक सिंपल सौम्य लड़का है, एक सरल स्वभाव का लड़का है। लेकिन जो चीज़ समझ के बाहर थी वो थी इसका डबल रोल। पहले मुझे लगा कि इसका डबल रोल नहीं है, इट जस्ट अ स्टोरी जो कि इधर से उधर खेल रही है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ में आया कि इस मूवी में जूनियर एनटीआर का डबल रोल होने वाला है, जिसमें एक का नाम होगा देवरा इस वाले का और दूसरे का नाम होगा वरदा इस वाले का। तो देखने पर मज़ा तो आएगा कि क्या स्टोरी होने वाली है। हालांकि आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, इट्स मीन कि ये मूवी दो पार्ट में बनेगी, जिसमें से पहला ये पार्ट है जिसका नाम देवरा पार्ट 1 है और दूसरी मूवी आएगी फिर कभी जिसका नाम होगा देवरा पार्ट 2। ट्रेलर देखकर समझ में आता है कि एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जो कि दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, जिसमें हमको जाह्नवी कपूर दिखाई देती है एंड तौबा 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 भगवान झूठ न बुलवाए, बहुत सुंदर दिख रही है भाई साहब। और ये उनकी तेलुगु में डेब्यू मूवी है एंड भाई साहब क्या लगती है वो एक्शन कमाल की, बहुत खूबसूरत, तावा तावा तावा। खास बात जो निकल कर आई है कि इस मूवी का बजट 300 करोड़ है, इट्स अ मैसिव बजट मूवी, जो कि एक कर तो लगता नहीं कि 300 करोड़ रुपए होगा, क्योंकि इसका वीएफएक्स जब मैंने देखा तो बहुत से टाइम इसका वीएफएक्स थोड़ा सा ग्लिच कर रहा था, जो कि देखने पर अनकंफर्टेबल लग रहा था। और जो थोड़ा सा 19-20 का फर्क समझ में आ रहा था कि ये 19 है ये 20 है, समझ रहे हो, वो वीएफएक्स वाला काम जो था वो अभी भी अपने इंडिया में 19-20 का ही फर्क है। लेकिन मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है उसका बीजीएम, और उसका बीजीएम लिखा है वन ऑफ द बेस्ट बीजीएम मेकर अनिरुद्ध ने, और अनिरुद्ध का बीजीएम के फैन तो तुम हो ही मतलब पागल हो जाते हो उसका बीजीएम सुनकर। तो आखिर अगर तुमने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो जाओ जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, देखो और मुझे बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। एंड आपको बता देते हैं कि ये मूवी इसी सितंबर माह में रिलीज होने वाली है, 27 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड। एंड यही करते वीडियो को अंत, वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।